सीएम नीतीश के जातीय जनगणना पर भाजपा का जोरदार हमला। प्रदेश मंत्री ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बिहार के नवादा में भाजपा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर पूनम शर्मा ने लिट्टी के पार्टी पर तमाम नेताओं और बुद्धिजीवी से नौजवान युवाओं के साथ की चर्चा की, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर साधा है जोरदार निशाना। बता दें कि प्रदेश मंत्री डॉक्टर पूनम शर्मा ने कही है कि आज जातीय जनगणना सीएम नीतीश कुमार करवा रहे हैं, लेकिन हम सब जात एक साथ मिलकर यहाँ पर लिट्टी का आनंद उठा रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि जातीय जनगणना बेकार है। नीतीश सरकार को जातीय उन्माद को बढ़ावा देने वाले करार देते हुए कहा है कि ये सोचने की बात है कि वर्ष 1931 के बाद आजाद भारत में किसी सरकार ने जातीय जनगणना की आवश्यकता क्यों नहीं समझी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद मानो जैसे देश में जाति फैक्टर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लोग विकास की बात करने लगे, तब क्षेत्रीय दलों की जातीय आधारित राजनीति खतरे में पड़ गई है। ऐसे दल फिर से समाज को आपस से लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जात एक साथ मिलकर आज हम लोग रहते हैं, लेकिन यह जातीय जनगणना की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसकी भी जानकारी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को देना चाहिए कि क्या यह जातीय जनगणना थी। बिहार की विकास होगी कि क्या भ्रष्टाचार की विकास होगी। प्रदेश मंत्री ने प्रसाद बिग्घा स्थित अपने आवास पर लिट्टी पार्टी का बड़ा आयोजन किया था, जहां मौके पर वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सुमन उर्फ साकेत बिहारी, सुधीर गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि मनोज सिंह, भाजपा वरिष्ठ नेता रामानुज सिंह, अंशुमान शर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार, सुधीर सिंह, जिला के प्रसिद्ध हड्डी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार और कई लोग मौजूद थे। और क्या कुछ कह रही है ये आइए हम सुनते हैं। जनगणना को कैसे देख रहे हैं अभी आप लोग? जातीय जनगणना को हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरे जातीय बैकवर्ड फॉरवर्ड के झोंक दिया जा रहा है। जातीय जनगणना करके सबको ये महसूस हो जाएगा कि हम फलाना जाति के हैं और हम उच्च जाति के हैं तो नीच जाति, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करके लोगों में आपस में मार काट और दंगा फसाद करने को आतुर हमारे नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी का यही सोच ही है, अब तो हमें लगता है कि उनको सोच, उनका साथ देने वाले भी लोग उनको समझा नहीं पा रहे हैं और इस तरह का काम किए जा रहे हैं। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें मेरे साथ NBC 24।